उसके लिए उन्होंने हमसे कहा है कि एक लंबी पदयात्रा पूरे उत्तराखंड की आप निकालें और राहुल गांधी जी स्वयं उसमें कुछ दिन प्रतिभाग करेंगे, प्रियंका गांधी जी भी बीच बीच में प्रतिभाग करेगी। आज दिल्ली में उत्तराखंड के दिग्गज नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने एक अहम बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस ने न केवल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया बल्कि आने वाले दिनों में अग्निवीर को लेकर एक लंबी पदयात्रा निकालने का प्लान भी तैयार किया। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने इस बात की जानकारी दी कि अग्निवीर योजना के खिलाफ एक लंबी पदयात्रा निकाली जाएगी और राहुल गांधी खुद 10 दिन तक इस पदयात्रा में शामिल होंगे। राहुल के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी पदयात्रा का हिस्सा रहेंगी। आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे साहब ने आज बहुत अच्छा हमको गाइड भी किया है कि 2024 के लिए हमको क्या करना है और एक आने वाले समय में हमको एक पदयात्रा जो हमको अग्निवीर योजना का जो नुकसान उत्तराखंड में हुआ है क्योंकि वो कुमाऊँ रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का घर है और वहाँ का हर गांव का नौजवान फौज में जाना चाहता है, उनके सपनों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए उन्होंने हमसे कहा है कि एक लंबी पदयात्रा पूरे उत्तराखंड की आप निकालें और राहुल गांधी जी स्वयं उसमें कुछ दिन प्रतिभाग करेंगे, प्रियंका गांधी जी भी बीच बीच में प्रतिभाग करेगी और इस यात्रा को निकालने के लिए हमारे सभी सीनियर लीडर्स में बात हुई है। जल्दी यहां से जाने के बाद हम उसका रूट मैप तैयार करेंगे और कब से कब तक वो यात्रा चलेगी इस बारे में आप सबको भी समय से सूचित हम लोग करेंगे और निश्चित ही उनकी इस बात से हमारा उत्साह बढ़ा है। राहुल जी स्वयं 10 दिन के लगभग उस यात्रा में प्रतिभाग करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस लंबे समय से सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधती रही है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने हरियाणा में मोदी सरकार के खिलाफ अग्निवीर योजना को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे।